Now we will see personification figure of speech. Now here we'll give the linking word so that we can remember personification figure of speech very easily. मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, personification figure of speech को पहचान करने के लिए या identify करने के लिए एक linking word दे देंगे उसके साथ, वो है person. Person का मतलब होता है इंसान की तरह, person, right? मतलब इंसान. Personification मतलब इंसान की तरह, मतलब यहाँ पे जहां पे भी personification figure of speech होगा वहां पे हमें ये फील होगा कि कोई भी चीज वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, बट वो कोई इंसान नहीं है, बट वो इंसान की तरह बिहेव कर रहे हैं या फिर इंसान की क्वालिटी उसे लगा दी गई है. तो वेरी फर्स्ट विल सी द सेंटेंस, द लायन इज स्माइलिंग. यहाँ पे लायन जो इंसान नहीं है बट वो स्माइल कर रहा है. अभी लायन स्माइल नहीं करता बट पर्सन मतलब इंसान स्माइल करता है, तो इंसान की जो खूबी है या क्वालिटी यहाँ पे लायन के साथ जोड़ दी है. फ्लावर्स वे आर डांसिंग. अभी फ्लावर्स का भी डांस नहीं करते बट पर्सन मतलब इंसान क्या करता है, डांसिंग करता है, राइट. इंसान दिस ह्यूमन बींग कैन डांस. नाउ द डेथ वॉज स्टेरिंग एट किंग, मतलब जो मौत थी वो स्टेरिंग मतलब एक टक देख रही थी या फिर घूर घूर के देख रही थी किंग की तरफ. तो यहाँ पे जो है डेथ को क्या बताया गया, स्टेरिंग के साथ जोड़ दिया गया है. बट स्टेरिंग ये जो है डेथ, ये क्या है, लिविंग थिंग नहीं है, इट इज अ नॉन लिविंग थिंग, बट वो ह्यूमन बींग की तरह बिहेव कर रही है ऐसा दिखाया गया. इन शॉर्ट व्हेनेवर इन अ सेंटेंस द थिंग्स विच आर नॉट ह्यूमन बींग और नॉट अ पर्सन, जो ह्यूमन बींग नहीं है वो ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहे ऐसा दिखाया जाता है, तो वहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, पर्सोनिफिकेशन. इन शॉर्ट व्हेनेवर द थिंग्स आर और आइडियाज आर ट्रीटेड एज इफ दे वेर पर्सन और दे आर बिहेविंग लाइक अ पर्सन, दैट टाइम वी कैन से देयर इज अ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट. Thank you.